यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। जहां जहां ये चंचल और अस्थिर मन जाए भगवान बोलते वहां वहां से घुमा के एक जगह पे लगाओ। तुलसीदास जी बोलते बिनु रघुवीर पद जी की जर्नी न जाए। आत्म शांति बिना जीव की ताप नहीं मिटती, वासनाएं ताप है। कमाने की वासना, बनने की वासना, भोगने की वासना, उसमें थके जा रहे। कितना भी कमाए, कितना भी भोगे, आखिर क्या? रावण जितना तो नहीं कमा सकता, नहीं भोग सकता। साईं ते इतना मांगिए नौ कोटी सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बाहर का टीप टाप आकर्षण छोड़कर भगवत प्राप्ति में लगना चाहिए। मैं बीए कर लूं, सीए कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, फिर क्या? जॉब कर लूं, फिर क्या? शादी कर लूं, बच्चे कर लूं, फिर क्या? मनुष्य जीवन इतना करके मरने के लिए नहीं मिला है। कुछ न करने की ऊंचाई पर भी पहुंच। ये जगत क्या है? बह रहा है, स्वप्न है। ईश्वर क्या है? जीव क्या है? ब्रह्म क्या है? बोले सब जगत सब एक ही भगवान है, तो हम भी भगवान है। तो भगवान तो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, सृष्टि बनाते। अरे बावरे, किसने कहा तुम शरीर से भगवान नहीं? भगवान सत्य संकल्प है। तुम्हारा संकल्प सत्य नहीं होता। भगवान पालन करने की शक्ति सृष्टि के रहस्य को जानते, तुम नहीं जानते। तभी भी वास्तव में देखा जाए तो भगवान की जो शक्तियां हैं और तुम्हारी जो शक्तियां, उन दोनों के मूल में एक ही है, ब्रह्म चैतन्य। जैसे घड़े में आकाश आया और इस कांच के बिन्न आकाश है। आकाश दोनों एक है, लेकिन घड़ा कह दे कि मैं कांच की के बिन जैसा बनूं, नहीं। तो जीव कह दे मैं ईश्वर जैसा बनूं, तो ईश्वर जैसा बनना नहीं है। ईश्वर जिससे ईश्वर है उसी से तू है। ईश्वर अपने ब्रह्म स्वभाव को जानता है, इसलिए उनमें आनंद है, मौज है। तू नहीं जानता। तो गंगू तेली और राजा भोज दोनों एक है। तो तेली का तो घाना है और राजा भोज के तो फौज है। हाँ, गंगू तेली राजा भोज बनेगा तो मर जाए बनते बनते। लेकिन गंगू तेली अपना तेलीपना छोड़े, राजा भोज की अपना राजा भोज की गद्दी हटा दो, गंगू तेली का तेलीपना हटा दो, मनुष्यता में दोनों एक है। ऐसे ही चिदघन चैतन्य में दोनों एक है। जैसे तरंग समुद्र नहीं है फिर भी समुद्र पानी है, ऐसे तरंग भी पानी है। ऐसे जीव भी चैतन्य है और परमात्मा भी चैतन्य है। और जीव छोटे से छोटे जीव में भी वो चैतन्य जो कहते हैं परमात्मा चैतन्य। मच्छर को कौन अकल देता है? राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे बापूजी हो, 10 बार मच्छर पकड़ते, 9 बार तो मच्छर ठुंगा दिखा के चला जाता है, 1-2 बार पकड़ में आता है। तो मच्छर की अकल कहाँ से आती? चेतन से। तो जो तुम्हारी बुद्धि में चैतन्य है और ज्ञान है, आनंद है, वही मच्छर की नन्ही सी खोपड़ी में बुद्धि और उसमें भी ज्ञान के ये देखा था ना ये ले। तो मच्छर को ये अज्ञान कहां से आया? वही चैतन्य है। तो उस चैतन्य स्वरूप का स्मरण करके उसमें एकाकार तो सब दुख मिट जाते।
शरीर में मिलकर एकाकार होते तो कितना भी करो फिर भी बाकी रहेगा। कितना धन कमा लो, छोकरे को काम काज दे दो, शांति है ये, लेकिन मृत्यु के समय सब छोड़ना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? मरने का भय रहेगा, इनका क्या उनका क्या, ये चिंता रहती है। अपने चैतन्य स्वभाव में आ जाओ तो बस मौज हो गई, तो संसार का भी काम ठीक हो जाता है और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़े, नारायण स्तुति पढ़े, श्वासोश्वास में जपे, दुख आ गया, क्रोध आ गया, कुछ भी आ गया तो वो आया है जाता है, उसको देखने वाला चैतन्य ओम आन। अपने चैतन्य स्वभाव में रहे तो विकार, दुख, आकर्षण, कपट, इनमें जो घसीटा जाता है तो जीव है, इनका उपयोग करे और निर्लेप रहे तो ब्रह्म हो जाता है। ज्ञानेश्वर भगवान तुल्य ब्रह्म हो गए, तुकाराम, एकनाथ जी, लीला शाहबापू जी और संत, तरंग अपने को पानी जान ले, ऐसे जीव अपने को सत्चित आनंद जान ले, सच्चिदानंद जान ले। ये हाथ मैं नहीं हूं, हाथ मेरा है, हाथ को मैं जानता हूं, हाथ मेरे को नहीं जानता, पैर मेरे को नहीं जानता, मैं चेतन, चेतन सत है, सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो अति परिश्रम न करे, अति संसारी बातें न करे, अपने को अति थकावे नहीं, थोड़ा भगवत शांति में रहे, सात्विक खान पान करे, कूड़ कपट आदि से, तो कूड़ कपट से जीव की दुर्गति होती है, सत्य से जीव की सदगति, सत के तरफ चलता है। तो ईश्वर प्राप्ति का इरादा पक्का कर ले, ज्ञान पा ले, हम जब एकांत में रहते तो जानबूझ के कभी कभी रात्रि को 2400 घंटा एकांत में तो कभी कभी विचार उठता था, ऐसी जगह पे जाते जहां कोई पहचाने नहीं, ऐसी जगह पे जाते जहां कोई अपमान करे, तो अपमान होता है तो उसको भी हम देख रहे हैं तो अपमान का दुख नहीं होता, ऐसी जगह जाते जहां तकलीफ आए तो तकलीफ में भी हम जानबूझ के जाते, तकलीफ को देखते, तो मेरे को तकलीफ है, मेरा अपमान होता है, ये सारा वहम है, तकलीफ अपमान ये वो सब संसार का खेल है, उसको खेल को खेल समझे और अपने को चैतन्य रूप में जान ले। फिर इतना ही चैतन्य नहीं, इतना ही तरंग नहीं है, सारा समुद्र पानी है, इतना ही घड़ा नहीं है, घड़े का आकाश महाकाश है, ऐसे ये जीव ब्रह्म है। हम ईश्वर कैसे, हम ईश्वर कैसे, ईश्वर ने तो सृष्टि बनाई, तो कैसे बनाई, तुम्हारे देखते हुए बनाई क्या? तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो तुम भी रात को तो सपने में सृष्टि बनाते हो, तुम भी रोटी में से बाल बनाते हो, खून बनाते हो, तुम भी तो ईश्वर का ही अंश हो ना, तुम खून नहीं बनाते, बाल नहीं बनाते, दाढ़ी मूछ नहीं बनाते, रोटी में से ही सब बनाते तो चैतन्य तो वही है, वो प्रधानमंत्री मैं भी वही हूं तो मेरे पास तो कुछ नहीं। अरे वो प्रधानमंत्री पद और तेरा दुकान का पद दोनों छोड़ो तो नागरिकत्व तो दोनों का एक है। ऐसे ही अपने को आत्म रूप से जान लो, आनंद भी आएगा, शांति भी होगी, बुद्धि भी विकसित होगी।